हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आई एम एजुकेशन ऑनलाइन लाइव क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जो भी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं वो फटाफट से एक बार अपना नाम वहां पे लिख दें जिससे मुझे पता चले कि कौन कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और कल की जो हमारी क्लास हुई थी आपका ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है कि आपको ग्राफ के बारे में पता था और उसी ग्राफ में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करने थे, ठीक है, उसका मीनिंग ये था। तो हमने कल ऑलमोस्ट 8 प्रॉपर्टीज के यहाँ पर डिस्कशन किया, ठीक है, और हमने देखा कि ये चेंज करने से ऐसा ग्राफ हो रहा है, कभी वाई एक्सिस जो है मिरर का काम करे, बड़े कभी एक्सिस मिरर का काम करे, कौन सा पार्ट नेगेटिव लेना है कौन सा नेगेटिव लेना है। और मुझे उम्मीद है कि सारे तुमने जो है पॉइंट्स नोट किए उन प्रॉपर्टीज को आज आप याद करके आए होंगे, है ना। तो फटाफट से क्लास स्टार्ट करने से पहले वो लोग फटाफट से बताएं जिन्होंने होमवर्क किया है या जिन्होंने ग्राफ स्केच किया है, ठीक है, जिन्होंने ग्राफ अपने आप से चाहे गलत बनाया हो चाहे सही बनाया हो, जैसा भी बनाया हो आपने अभी हम चेक करेंगे, क्योंकि मैं भी अभी फटाफट से देखते हैं एक बार कि ग्राफ कैसा बना हुआ है आपका। तो आप जो क्या करें कमेंट में फटाफट से यस लिख करके भेजिए जिन्होंने भी होमवर्क किया है, और जिन्होंने नहीं किया है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने नहीं किया है, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके तो कुछ लोग जुड़ सके हैं, कुशी प्रिया देव काव्या नीर कथन पार्थ स्मित, बहुत अच्छे। ओके तो तुमने ड्रॉ किया है, बहुत अच्छी बात है बेटा। ओके कल मनीष क्या बात है। तो देखिए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे और अभी बनाते हैं एक एक जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको कल दिया था उसको एक एक करके चेक करते हैं कि आपका गलत है या सही है, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड गंदा हो गया है तो मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ इसको, आप लोगों के लिए थोड़ा सही लगे, आपको थोड़ा अच्छा दिखे। ओके स्टार्ट करते हैं बेटा, आपका जो है ग्राफ आपका है वाई इज टू एफ एक्स, आपको कुछ ऐसा दिया हुआ था वाई इज टू एफ एक्स। ये ग्राफ आपका मैंने जो कल बनाया था जो बना करके आपको दिया था वो कुछ ऐसा था आपका, ठीक है, ये आपका वाई इज टू एफ एक्स कुछ ऐसा था, ऐसे करके कुछ था आपका, ठीक है। ये आपका क्या था बेटा वाई इज टू एफ एक्स था, ये आपका क्या था पॉइंट आपका वन था, ये पॉइंट आपका वन था, और ये वाला पॉइंट आपका क्या था माइनस वन था, ये यहाँ पे आपका बेटा माइनस वन था और यहाँ पे आपका माइनस टू था, ठीक है। तो पहला ही ट्रांसफॉर्मेशन इसमें जो है बेटा वो आपको करना था पहला ही y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वन, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस वन जो आप ट्रांसफॉर्मेशन बेटा कर रहे हो, ठीक है, तो अगर एफ एक्स प्लस वन आप ट्रांसफॉर्मेशन बेटा कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो है ये आपका क्या है वन का क्या मतलब है बेटा ये x एक्सिस यानी कि y इक्वल्स टू 0 है। तो कोई एक डॉटेड लाइन बेटा ड्रॉ कर लो, क्या करो कोई एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो, और ये क्या है y इक्वल्स टू 1 है, यानी ग्राफ आपका 1 8
ऊपर शिफ्ट होगा। बेटा ग्राफ अगर आपका 1 यूनिट शिफ्ट होगा तो कैसा बनेगा, यानी कि जहां 0 से 1 था बेटा वहां 1 से स्टार्ट होगा और ऐसे करके आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट था ये ऑलरेडी 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कहां पहुंच जाएगा बेटा 2 पे पहुंच जाएगा, और ये कहां आ जाएगा आपको देखा आपने कहां गया बेटा 0 पे, यानी 1 ऊपर करेंगे तो ये बेटा 1 है वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये जो -1 था बेटा ये कहां आ जाएगा 0 पे आ जाएगा, समझ में आ गया। और ये वाला पोर्शन आपका कैसा बन जाएगा, ऐसा जैसा आपका बना हुआ था। ओके, तो y कुछ fx प्लस 1 का ट्रांसफॉर्मेशन बेटा ऐसा होगा। नेक्स्ट, मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ होगा सभी को। नेक्स्ट बेटा आपका था y = 2 टाइम्स ऑफ fx, ऐसा। तो 2 टाइम्स ऑफ fx यानी कि इस f का क्या करना है बेटा 2 टाइम करना है, यानी कि सारी वैल्यूज ही क्या हो जाएंगे बेटा 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो किस तरीके से ग्राफ बनेगा बेटा इसका, किस तरीके से बनेगा, जो जैसे आपका -1 से 1 था तो कहां से कहां चलाएगा, -2 से 2 चला जाएगा बेटा। तो यानी कि ग्राफ थोड़ा इस तरीके से बन जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका क्या है 2 है, और ये आपका क्या है बेटा -2 है, ये आपका क्या है -2 है, ठीक है। और ये भी आपका ऐसा ही हो जाएगा, ओके। माइनस ये थोड़ा थोड़ा इस तरीके का आपको दिखने लगेगा, है ना, ठीक है। ये मुझे उम्मीद है कि बेटा समझ में आया हो तुम्हारे, ठीक है। 2 टाइम्स इस तरीके से हो जाएगा, समझ में आ रहा है बेटा ये, ये समझ में आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट देखिए बेटा, तीसरा उसने बोला है, जो तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन है उसने बोला है आपका कि बेटा y = माइनस ऑफ एफ एक्स। ओहो, अगर एफ एक्स यानी कि एफ एक्स के सामने माइनस लगाया है, कल हमने देखा था कि अगर मैं मोड एक्स का ग्राफ बेटा ऐसे ड्रॉ करूं तो माइनस मोड एक्स नीचे, यानी कि तो जो फंक्शन का पार्ट बेटा ऊपर है वो क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, जो नीचे वो कहां जाएगा ऊपर आ जाएगा। तो ये आपका ओरिजिनल फिगर है, ये इसको इसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो कैसा बनेगा बेटा ये फटाफट से देखते हैं एक बार, यानी कि ये ऐसा है तो यानी कि कैसा हो जाएगा आपका, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा और ये इधर से आपका कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है बेटा। ये आपका क्या आएगा माइनस एफ एक्स, समझ में आया, यानी कि जो पार्ट ऊपर था वो नीचे आ गया, ठीक है, और जो नीचे था वो यानी कि ये ऊपर था नीचे बेटा नीचे था ऊपर आ गया, तो ये ऐसे बन जाएगा आपका, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा आपका y = f(-x), f(-x) कैसा रहेगा, f(-x) का मतलब क्या है बेटा, क्या करना है f(-x) में बताओ फटाफट से, f(-x) में बताइए, ड्रॉ किया है किसी ने f(-x) में बेटा क्या करेंगे, जो आपका इधर था वो इधर बन जाएगा, जो इधर था वो इधर बन जाएगा, है ना, कल बताया था ना, जैसे e^x का ग्राफ आपका ऐसा होता है, और ये आपका क्या है y = e^x, बेटा आपसे पूछ लिया था e^-x तो कैसा बना दिया था आपने, ऐसा बना दिया था, ठीक है, यानी कि जो इधर था वो इधर बन गया था बेटा, जो इधर था इधर बन गया था, f(-x) आपका इस तरीके से बन जाएगा। तो ग्राफ का पोर्शन बेटा आपका कैसा हो जाएगा, तो f(-x) बना के देखते हैं फटाफट से। -x यानी कि ये आपका जो इधर बन जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट आपका इधर बन जाएगा, ठीक है, यही आपका क्या बेटा आंसर है, जो इधर था वो इधर बन गया और जो इधर था इधर बन गया, इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट बड़ा 5th नंबर जो पूछा है आपसे कि f(y = बड़ा fx का मोड, fx मोड यानी कि पूरे फंक्शन का मोड, यानी कि आउटपुट क्या नहीं होना चाहिए नेगेटिव, तो यानी कि आउटपुट नेगेटिव होने का मतलब क्या है, ग्राफ का जो पोर्शन x एक्सिस के ऊपर बेटा वो कहां जाएगा ऊपर, तो कैसे बनेगा ये वाला पोर्शन,
ये तो आपका सेम रहेगा, क्योंकि ये पार्ट तो आपका क्या बेटा एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये वाला पार्ट भी आपका एक्सिस के ऊपर है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है बेटा इसका दिख रहा है, ये वाला पार्ट क्या बेटा नीचे है, तो ये वाला पार्ट कहाँ आ जाएगा बेटा ऊपर आ जाएगा, और यही आपका क्या है ग्राफ है। ठीक है भाई, इसको स्टू मॉड ऑफ एफ एक्स यानी जो बेटा ग्राफ का पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे तो उसको हम क्या लेंगे ऊपर। नेक्स्ट वाई इसको स्टू आपका है बेटा एफ ऑफ मॉड एक्स, y इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड एक्स। तो इसका सीधा सीधा मैंने ट्रिक बताया था आपको, अगर इनपुट में मॉड लग जाए तो आप क्या करोगे, जैसा पार्ट आपका राइट हैंड पे बन रहा है वैसे ही कहा बना दो लेफ्ट हैंड पे, आपको सिर्फ y एक्सिस के राइट हैंड वाला पार्ट ही ध्यान में रखना है, बाकी का जो भी पार्ट लेफ्ट हैंड y एक्सिस के लेफ्ट हैंड पे उसको रिमूव कर दो, और जो राइट हैंड पे आपको दिख रहा है वैसा ही डिटो y एक्सिस को मिरर मान के बड़ा बना दो। ठीक है, तो कैसे इसका क्या होगा, ये वाला पार्ट आपका क्या होगा देखिए फटाफट से, ये वाला पार्ट बड़ा f mod x यानी कि ऐसा है, तो इधर तो आपको कैसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है आपका। ठीक है, ये बना हुआ है आपका बड़ा इधर ऐसा, ये वाला पार्ट तो ये तो y एक्सिस के इधर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो अब हमें लेफ्ट हैंड पे ये आ रहा है लेकिन हमें इस वाले से कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं तो सिर्फ y एक्सिस का बेटा y एक्सिस के इधर जो आ रहा है राइट पे ग्राफ का बढ़ उसी की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे इधर बनाएंगे तो कैसा बन जाएगा बेटा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक है ऐसा हो जाएगा आपका पार्ट बेटा, है ना। ठीक है, और नेक्स्ट एक और उसने पूछा था जो कि उसने पूछा था कि आपका सेवंथ नंबर y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस टू, तो उसमें देखिए तीन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं आपके। ठीक है, पहले वाले की बात कर लेते हैं बेटा, जैसे दो तीन ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हो रहे हैं आपके, जैसे क्या हो रहा है कि एक तो आपको एफ ऑफ माइनस एक्स देखना पड़ेगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब है जो इधर बनेगा उधर बनेगा, तो इसमें सबसे पहले मैं ए पार्ट बना रहा हूँ क्या एफ ऑफ माइनस एक्स, स्टेप बाय बनाएंगे बेटा एफ ऑफ माइनस एक्स बनाएंगे, फिर उसमें क्या लगाएंगे मॉड लगाएंगे, फिर उसमें क्या करेंगे प्लस टू करेंगे। ठीक है बेटा, तीन स्टेप में ये बनेगा आपका, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बेटा कैसे बनेगा आपका, माइनस एक्स का मतलब जो इधर था वो इधर बनेगा और जो इधर था वो इधर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा आपका। ठीक है, दूसरी बात अगर बेटा मैं इस पर मोड लगाता हूं तो पोर्शन भी इसी का, अगर मैं इस पर मोड लगाऊंगा तो यानी कि मोड क्या करता भैया, जो ग्राफ का पोर्शन नीचे रहता है बेटा उसको ऊपर ले जाता है, तो ये वाला जो पार्ट है बेटा कहां आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा ऐसा, ये आपका ऐसा आ रहा तो बेटा ये भी कैसा हो जाएगा आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये आपका ग्राफ का पोर्शन बन करके तैयार हो गया। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, समझ में आया। अब इन्होंने क्या बोला है, ये तो बेटा वन पे चल रही थी बात आपकी, यहाँ पे क्या बेटा ऐसा वन पे नहीं। ठीक है बेटा, ये क्या आपका वन है, नीचे आपके क्या है जीरो। अब इन्होंने बोला है नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन बेटा हमें क्या करना है, वो क्या कह रहा है कि वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस टू, तो आपको क्या करना है एक लाइन ढूंढ लो बेटा, कौन सी दिख रहा है बेटा सभी को, y इक्वल्स टू टू मान लो बेटा, ये वाली लाइन है, ये आपकी लाइन है y इक्वल्स टू टू, तो इसके ऊपर बेटा ग्राफ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ आपका बेटा बन करके तैयार हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये ग्राफ जो आपका बनाया बेटा आपको समझ में आएगा। ठीक है, दिस इज द फाइनल ग्राफ। ठीक है, ये आपका फाइनल ग्राफ है जो हमने बनाया बेटा, ये आपका क्या है फाइनल ग्राफ। ठीक है,
कितने लोगों का सही बनाया है बेटा, कितने लोगों का सही बनाया है? जिन जिन का सही बना है करेक्ट लिख के भेजना जरा कमेंट में बेटा, जिन जिन का ग्राफ सही बना हुआ था कमेंट में करेक्ट लिख के भेजना मुझे। चलो तो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें क्लियर हुआ होगा, ठीक है। काव्या देव खुशी कथन, चार ही लोगों का करेक्ट है क्या? चार पांच लोगों का, क्या बात है, सबका ही करेक्ट बन गए। ओहो इसमें बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। चलो तो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका प्रॉपर्टी नंबर 9। नेक्स्ट है बेटा आपका प्रॉपर्टी नंबर 9। देखो जो कल बहुत सिंपल सिंपल से ट्रांसफॉर्मेशन थे वो हमने कर लिए थे, आज हम जो बेटा ग्रेटेशन की और फ्रैक्शन की बात करेंगे, ठीक है। कि ये बनता कैसे है, फ्रैक्शन इनपुट पे लग रहा है तो कैसा बनेगा बेटा, फ्रैक्शन पूरे फंक्शन पे लग रहा है तो कैसा बनेगा, ग्रेटेशन की अगर बेटा पूरे फंक्शन पे तो कैसे ग्राफ बनेगा, वो स्टेटमेंट जो मैं लिखवा रहा हूँ तुम्हें उन्हें बेटा मैं एग्जाम्पल के साथ तुम्हें समझाऊंगा भी, ठीक है। तो वो सभी को याद कर लेने हैं बेटा। एडवांस के लिए ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस, मैं पहले बता दे रहा हूँ। बिना ग्राफ के आप क्वेश्चन हिला नहीं पाओगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बेटा ग्राफ से ही आप कर पाओगे। और अगर आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आता है उसमें ग्राफ दे रखेगा बेटा, सिर्फ आपको ट्रांसफॉर्म करके जो है क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैं यहाँ पे खड़े होकर तुम्हें चिल्ला रहा हूँ या तुमसे कह रहा हूँ वो तुम्हारी बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो 9th प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये है आपका बेटा वाई इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स, ये आपका क्या है जी आई एफ, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स ऐसा। तो इसमें पहले कोटेशन लिख लो फटाफट से बेटा, ड्रॉ एफ एक्स, ड्रॉ एफ एक्स एंड ब्रेक इट, ड्रॉ एफ एक्स एंड ब्रेक इट इंटू, एंड ब्रेक इट इंटू पोर्शंस, एंड ब्रेक इट इंटू पोर्शंस यूजिंग यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन, using horizontal lines, using horizontal lines at unit intervals, at unit intervals take projection of each portion, take projection of each portion on the lower line, ठीक है। तो ऐसा है आपका। अब इसका मतलब क्या है, आपको बड़ा ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स का, ठीक है ऐसा। तो इसका मतलब क्या है, आपको जो y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ पता होगा और आप उस पर क्या लगा रहे हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यानी कि हमें y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ पोर्शन जो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर हम इसमें स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एफ एक्स का ग्राफ लो एंड ब्रेक इट इंटू पोर्शन यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस एट यूनिट इंटरवल, यानी कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा ड्रॉ करनी है। टेक प्रोजेक्शन ऑफ ईच पोर्शन ऑन लोअर लाइन, यानी कि जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है उसका नीचे यानी लोअर वाली लाइन पर बेटा क्या लेना है, प्रोजेक्शन लेना है, ठीक है। तो मैं एक बताता हूँ कैसे करेंगे बेटा इसको। जैसे मान लो आपका कोई एग्जाम्पल है वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्या है बेटा वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ सभी जानते हैं, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ सब जानते हैं, ठीक है। और आपको बनाना है क्या है, y इक्वल टू
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा बनाना है। ध्यान रखना बेटा, मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर जो लगाया है वो पूरे फंक्शन के बाहर लगाया है, एक्स पे ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, यानी इनपुट पे बेटा नहीं है, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, अब इन्होंने बोला है ड्रॉ एफ एक्स एंड ब्रेक इट इनटू पोर्शन यूज हॉरिजॉन्टल लाइन। बेटा ये क्या करेगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है आप जब इसको वन दे रहे हो तो वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, वन होगा, टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, टू होगा। लेकिन आप ये देखो ना, ये इंटीजर वैल्यू दे कहां रहा है बेटा, ये कहां का इंटीजर वैल्यू दे रहा है, वन पे वन देगा, लेकिन टू कब देगा ये बेटा जब इसको इनपुट रूट टू जाएगा तभी तो आउटपुट टू जनरेट करेगा। ये वाली बात समझ में आ रही है, नहीं आया समझ में? मेरे कहने का मतलब क्या है, आप जो है फटाफट से आपने एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ये आपका क्या मान लो वाई इक्वल टू वन है, ये आपका क्या वाई इक्वल टू जीरो है, आपने एक और ड्रॉ किया बेटा वाई इक्वल टू टू, और आपने जो बेटा एक और ड्रॉ किया वाई इक्वल टू थ्री, ठीक है। ऐसा मैंने बोला है ना बेटा कि क्या करना है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइंस में यूनिट इंटरवल में बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर के इसको क्या करना है, ब्रेक कर लेना है। अब देखो यहां पे आपका क्या है, यहां पे आपका क्या है, वन है, तो ये आपका क्या, ये तो वन पे वन मिल रहा है ना, ये वन पे वन मिल रहा है। लेकिन अगर यहां पे फंक्शन का वैल्यू अगर टू है, यहां पे अगर ये आपका क्या है टू है, ये आपका क्या है वन है, ये आपका क्या बेटा यहां पे थ्री है, ठीक है, लेकिन ये आपका जीरो पे बेटा क्या है, जीरो है। लेकिन एक बात बताओ, जब ये टू आउटपुट आया होगा, टू आउटपुट आया होगा तो इनपुट क्या दिया होगा, जब ये टू आउटपुट आया होगा बेटा तो इनपुट क्या रहा होगा, रूट टू। जब मैंने एक्स को रूट टू रखा होगा तो रूट टू का स्क्वायर क्या बना होगा, टू बना होगा। तो यानी कि इस पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे इनपुट क्या है, रूट टू है, और थ्री के लिए बेटा यहाँ पे क्या है आपका, रूट थ्री है। ये वाली बात समझ में आ रही है आपको, पहले ये बताओ ये क्लियर हो रहा है ना। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लो अगर आप यहां से इसको देख रहे हो तो बेटा यानी कि जीरो से वन में ये जो इसका पोर्शन है, कौन सा वाला, ये वाला जीरो से वन में है, जीरो से वन में ये जो ग्राफ का पोर्शन है, जीरो से वन में, जीरो से वन में ग्राफ बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, जीरो टू वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जीरो टू वन क्या आता है आपका, बताना जरा क्या आता है, जीरो आता है। आपको बताए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन टू टू बेटा क्या आता है, वन आता है, ठीक है। ये वाली बात आपको पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टू टू थ्री क्या आता है, टू आता है। तो यानी कि जब जीरो से वन में है बेटा ये क्या देगा, जीरो देगा। तो मैं ये ब्लैक वाली लाइन ये बना रहा हूँ, ये और वन को इसमें क्या कर रहा हूँ, इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखा तो मैं इतना सा पोर्शन जीरो से वन में बेटा क्या है, यहाँ पे वन इंक्लूड नहीं करेंगे, मैं वन वन यहां से स्टार्ट करूंगा। फिर अब वन से टू में जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, वन से टू में जाओगे बेटा ये वाला जो हम किस पे देखो, इसमें उन्होंने बोला है टेक प्रोजेक्शन ऑफ ईच पोर्शन ऑन लोअर लाइन। ये जो जीरो से वन में ये वाला जो पोर्शन गया है, ये जीरो से वन में बेटा ये जो पोर्शन है इसका मैं प्रोजेक्शन ले रहा हूं, तो यहां तो बनेगा इस लोअर लाइन पे, समझ में आ रहा है। अच्छा, यानी कि इस वाई इक्वल टू वन के लिए लोअर लाइन क्या है, वाई इक्वल टू जीरो है, दिख रहा है। अच्छा, वन टू टू का पोर्शन ये रहा बेटा, ये आपको वन टू टू का पोर्शन है, वन टू टू का पोर्शन के लिए लोअर लाइन क्या है, वाई इक्वल टू वन, उस पर प्रोजेक्शन लेंगे तो कहां आएगा, यहां आएगा बेटा इसी गैप पे, इतने में पोर्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अगर मैं टू टू थ्री के लिए लेता हूं तो यहां आपका बन जाएगा, ये वाली बात समझ आ रही है, और इसमें क्या बेटा हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो टू टू थ्री का ये वाला जो पोर्शन था मैंने इसका शेडो लिया तो कहां आएगा बेटा, इतने में आएगा, ठीक है, ये वाली बात समझ भाई। अच्छा, ऐसा ही ग्राफ आपका इधर भी बनेगा, ऐसा ही ग्राफ इधर क्यों बनेगा, क्योंकि ये पॉइंट आपका क्या है माइनस वन है, लेकिन ये पॉइंट आपका क्या है वन है, ये पॉइंट आपका क्या है वन है, ये पॉइंट बेटा आपका क्या है टू है, लेकिन आपका इनपुट क्या होगा माइनस रूट टू, और ये इधर आपका क्या होगा बेटा माइनस रूट थ्री। तो तभी तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, टू मिलेगा, और बेटा यहां पे आपको क्या मिलेगा, थ्री मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव वाले इनपुट के लिए भी बेटा आउटपुट क्या जनरेट करेगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेम आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है। तो अगर आप यहां पे देख रहे हो तो ये तो क्या है जीरो, भाई क्या बनेगा बेटा आपका, ये इधर आपका क्या बन जाएगा जीरो बन, ये आपका यहाँ पर हॉलो सर्कल, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, जीरो से वन आपने इनपुट माइनस वन दिया तो ग्राफ का पोर्शन देखो ना बेटा कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला पोर्शन क्या है जीरो टू वन है, इसका शैडो लोगो तो आपका इधर आएगा नीचे लोअर लाइन क्या है वाई इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट, ये वाला जो पोर्शन आपका वन टू टू, इसका शैडो लोगो बेटा कैसा आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर हॉलो आ जाएगा। और नेक्स्ट बेटा आपका क्या है, इस वाले पोर्शन का शैडो क्या आ जाएगा, ऐसे आपका यहाँ पर, ठीक है।
है, तो ये आपका जो ब्लैक से मैंने बेटा बना रखा है यही आपका क्या है, यही आपका ग्रेटेस्ट इंटीरियर है भाई। ये वाइज कुछ टू एक्स करता पूरा, लेकिन हमने बेटा ये लाइने बनाई है, ये क्या आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कहानी क्या थी बेटा, ड्रॉ एफ एक्स एंड ब्रेक इट इनटू यूजिंग ब्रेक इट इनटू पोर्शन यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस। यानी कि कोई भी ग्राफ अगर आपको पता है तो आप क्या करो, यूनिट इंटरवल से बेटा हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करो, और जीरो से वन में क्या दे रहा है, वन दे रहा है, तो इस तरीके से फिर बेटा आपको समझ में आ गया ना, टू से थ्री में आपका क्या होगा, टू होगा, वन टू टू में आपका क्या होगा, वन होगा। तो हमने क्या किया है, जो उसका बेटा ऊपर वाला पोर्शन है उससे जो एक नीचे लाइन है उस पर क्या लेना है, प्रोजेक्शन लेना है। जैसे y = 1 का जो पोर्शन था कहां प्रोजेक्शन लेंगे, y = 0 पे, और y = 1 से 2 में जो बेटा आपका लाइन पोर्शन है उसका प्रोजेक्शन कहां लेंगे, y = 1 पे जो ले रहा, समझ में आ रहा है। 2 से 3 का बेटा हमने प्रोजेक्शन कहां लिया है, 2 y = 2 वाली लाइन पे लिया है। तो इसी तरीके से यहां पे है ना, इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा। ओके, मुझे उम्मीद है समझ में आ जाओ। चलो तो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट में एक और ग्राफ बनाता हूं आपका यहाँ पे। ये तो पहला वाला था, मैं बना रहा हूं बेटा y = sin x, ठीक है, और उसकी हेल्प से मैं क्या बनाऊंगा, y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x। क्या बनाऊंगा बेटा, y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x। तो कोई बात नहीं, बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, इतना कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत स्लोली स्लोली बता रहा हूँ, बिल्कुल भी यहाँ पे तेज नहीं बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको बेटा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में, एक बार वीडियो को फिर से बैक करके देखना, क्लियर हो जाएगा, मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक बात बताओ, y = sin x बेटा आपका ऐसा होता है, कैसा होता है y = sin x, तो y = sin x बेटा आपका ऐसा होता है, ठीक है। y = sin x बेटा आपका ऐसा होता है, ये आपके क्या है, जीरो है, यहाँ पे बेटा आपका कहीं पाई बाई टू होगा, ये वाला पोर्शन आपका पाई बाई टू, ये आपका क्या होगा बेटा पाई होगा, ये आपका क्या होगा टू पाई होगा, और ये वाला कहीं ना कहीं आपका क्या होगा बेटा थ्री पाई बाई टू होगा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा, इधर भी आपका सेम ही चलेगा, लेकिन मैं एक बार बना के देखता हूँ। एक बात बताओ, sin x का यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, बिल्कुल मैंने बोला था कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, तो बेटा साइन एक्स के ग्राफ तो जो है वन से ऊपर जाता ही नहीं है, ठीक है बेटा, साइन एक्स का जो ग्राफ है वो तो वन से ऊपर जाता ही नहीं है, और साइन एक्स का जो ग्राफ है बेटा वो माइनस वन से नीचे भी नहीं जाता है, ठीक है। यानी आपको साइन एक्स का रेंज पता है बेटा कि ये जो है वन से माइनस वन के बीच में ही रहता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि हम तो देखेंगे किस किस पॉइंट पे जीरो वन कहां कहां ये वैल्यूज दे रहा है, और उन्हीं वैल्यूज के हिसाब से क्या करेंगे बेटा, हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए। तो एक बात बताओ, ये जो पाई बाई टू है यहां पे वैल्यू क्या मिलता है, यहां पे वैल्यू क्या मिलता है, वन मिलता है कि नहीं। ये जो पाई बाई टू है देखो, अगर 0.99 भी रह जाएगा, अगर बेटा 0.99 भी रह जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसको क्या बना देगा, जीरो बना देगा। यानी कि ये जो पाई बाय टू पे ही साइन आपका एग्जैक्ट वन होता है, तो पाई बाय टू से थोड़ा पहले 0.999 कुछ होगा, और वन जो है फिर उसके बाद घटना शुरू हो जाएगा, और पाई पे आकर के क्या होता है, जीरो होता है। तो यानी कि जीरो, यानी कि यहां से अब देखो मैं इसका कहां बढ़ा, ये जो पोर्शन है आपका, ये कौन सा वाला, जीरो से पाई, जीरो से पाई जो आपका पोर्शन है उसका क्या लूंगा मैं, शैडो लूंगा, सॉरी प्रोजेक्शन लूंगा, कहां लूंगा नीचे,
नीचे कौन सी लाइन है, y इक्वल टू जीरो। अभी मैंने आपको ग्राफ में क्या समझाया था कि भाई आप इंटरवल पकड़ो और उसका जो है आपको क्या लेना है, प्रोजेक्शन लेना है, शैडो लेना है का लोअर लाइन पे। तो y इक्वल टू वन, अब देखो जीरो टू पाई में कौन सा वाला पार्ट आपका आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट जीरो टू पाई में आ रहा है आपका, जीरो टू पाई अगर बट आपका ये वाला पार्ट आ रहा है, आप इसका शैडो लोगे तो ऐसे आएगा। शैडो क्या आएगा, शैडो आपका ऐसा आएगा। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, होलो सर्कल, पाई बाय टू होलो सर्कल क्यों बन जाएगा, क्यों, क्योंकि पाई बाय टू में एग्जैक्ट बन जा रहा है। तो यहाँ बेटा आपका क्या बन जाएगा, ये फ्रेंड सर्कल बन जाएगा। इस जगह मैं और थोड़ा डार्क बना देता हूँ आपको देखे कि ये अच्छा इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है बेटा, ये पाई बाय टू पे क्या है आपका, होलो सर्कल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बेटा जम करके कहाँ पहुंच गई, वन पे, समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे क्या आपका वन है, यहाँ पे क्या आपका माइनस वन है, ये वाली बात क्लियर हुई। अच्छा अब बेटा पाई से टू पाई में आप देखो जो एग्जैक्ट, जो आपका एग्जैक्ट जब हम थ्री पाई बाय टू की बात करें तो क्या होगा, माइनस वन होगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये यानी कि जब आप इसका शैडो लोगे किस वाले पोर्शन का, पाई टू टू पाई का, तो किस पाएगा, वाई इक्वल टू माइनस वन पाएगा, तो कैसे आएगा आपका, बेटा ये क्या है, ये जो है आपका पाई टू टू पाई का शैडो कहां पाएगा, वाई इक्वल टू वन पाएगा, यानी कि ऐसा आपका ग्राफ बन जाएगा बेटा, समझ में आया है, ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ, समझ में आया है। और थ्री पाई बाय टू पे आपका क्या है बेटा, यहाँ पे क्या होगा, फ्रेंड सर्कल होगा, क्यों, क्योंकि ये बता रहा है कि थ्री पाई बाय टू पे क्या है आपका, माइनस वन है, ये थ्री पाई टू बेटा फ्रेंड सर्कल है, ये बता रहा है कि आपका क्या है, माइनस वन है, ठीक है। अब अगर साइन एक्स आपका पीरियडिक होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स भी क्या होगा, पीरियडिक होगा, यानी कि आपका कैसा बन जाएगा, जब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ की वैल्यू के लिए देखोगे तो आपका क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, और ये आपका कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ये फील्ड है आपके दोनों इधर, ये फील्ड है, यहाँ पे एक डॉटेड आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका हॉलो हेड है। और नेक्स्ट आपका पोर्शन कैसे आ जाएगा, फिर सेम जैसा इधर बनाया वैसा ही दे, पीरियोडिक का मतलब क्या है, जैसा इधर वैसा इधर, ठीक है। तो बेटा ये जो आपका ब्लैक से आपका बन रहा है, ये मैंने जो हाईलाइट ज्यादा किया हुआ है, ये ब्लैक से जो ज्यादा हाईलाइटेड है वही आपका क्या है, समझ में आया। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन में इसको क्या करना है, ब्रेक करना है, और नीचे वाले पॉइंट पे क्या लेना है, नीचे लोअर लाइन पे क्या लेना है, प्रोजेक्शन, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट, कोई भी स्टूडेंट को कोई डाउट है भाई, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, काव्या क्या कह रही है तू बेटा, क्या लिख के भेजा तूने काव्या, हाँ हाँ सही है, एल एच एस में वो वाई एक्सिस को टच करेगा, हाँ बेटा बिल्कुल सही है तुम्हारा, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे ना, बहुत अच्छे, क्या बात है, तुम लोग तो समझदार हो गए हो, नहीं मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, वो बहुत बढ़िया बेटा काव्या। सर ऊपर वाले ग्राफ पार्ट टू पे होलो सर्कल नहीं आएगा, अच्छा मतलब तुम्हें कोई डाउट है, और कोई कोई भी डाउट बेटा,
वो सब ठीक है, तुम खुद ही करेक्शन कर लेना उसमें, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बेटा आपके ऐसे आ जाएंगे क्योंकि इस तरीके से बनेगा ना आपका, है ना, ये भी आपके इधर है, बिल्कुल सही है। और कोई? बहुत अच्छे। और कोई डाउट किसी महारथी को, कोई दिक्कत? हो गया सभी का? पूछना है किसी को कुछ? चलिए आगे चलते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी लोगो फटाफट से, मुझे उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेके फटाफट से, वाई इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स। अभी तक क्या था बेटा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को साइन बेटा कहां था, पूरे एफ एक्स पे लगा हुआ था, अब कहां पे लगाया बेटा, इनपुट पे लगाया, कहां पे लगाया, इनपुट पे। तो फटाफट से एक स्टेटमेंट लिख लो जल्दी से, ड्रॉ एफ एक्स एंड ब्रेक इट इनटू पोर्शंस, एंड ब्रेक इट इनटू पोर्शंस यूजिंग वर्टिकल लाइंस, using vertical lines between any two vertical lines, between any two vertical lines we get constant value, we get constant value equal to the value at left line, equal to the value at left line। देखो ये तो बहुत आसान है बेटा, जैसे ये आपको क्या करना है, एफएक्स ड्रॉ करना है, उसको जो अब क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन पहले बेटा, जब पूरे फंक्शन पे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ था तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर के ब्रेक कर रहे थे, आपको यही याद रखना है। यहाँ पे क्या बेटा, इनपुट पे लगा दिया, ठीक है, इनपुट पे लगाया तो कैसे बनाएंगे इसको, जैसे मान लो बेटा आपका वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ आपके क्या है, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऐसा, और इसकी मदद से बेटा हम क्या बना रहे हैं, वाई इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे इनपुट पे आप जान से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ये बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर क्यों ले लो बार बार, क्योंकि आपको इसका ग्राफ पता है, ठीक है, तो मैंने बनाया इसको, ये आपका बेटा क्या है, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, जैसे पहले वाले में बेटा हॉरिजॉन्टल लाइंस में लेकर के ब्रेक कर रहे थे, इसको वर्टिकल लाइंस में लेकर के ब्रेक करेंगे, तो क्या आएगा आपका, मान लो ये आपका क्या है,
एक्स इक्वल टू वन है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपका एक्स इक्वल टू टू है, इधर वाला पोर्शन आपका एक्स इक्वल टू माइनस वन है, और बेटा इधर वाला पोर्शन आपका जो है एक्स इक्वल टू माइनस टू है, ठीक है ऐसा। तो अब आप देखो कि ये जो पोर्शन है कौन सा, यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर जब आपने वन डाला होगा, यहां पे आपने वन डाला होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ने क्या दिया होगा, वन दिया होगा। ये वाली बात समझ में आ रही है, जब इन्होंने वन डाला वन दे दिया इसका मतलब क्या है, यहां पे ये जो वन है इस पॉइंट के लिए यहां पे आपका क्या आ रहा है, वन आ रहा है, तो ये आपका वन आएगा और इस पॉइंट पे आपका क्या आएगा टू आएगा, क्योंकि यहां से क्या जा रहा है टू जा रहा है, तो ये आपका क्या है टू है, ये आपका क्या वन है। तो आप देखिए ये जो पोर्शन है आपका कौन सा बेटा, ये वाला जो पोर्शन है ये जीरो से वन वाला, ये आपके क्या यहाँ पे जीरो है, तो ये कैसे आएगा, इसका शैडो कहाँ नीचे, तो बेटा क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका ऐसे, ठीक है ये बना आपका ऐसे, ये वाली बात समझ में। अब जैसे ही आप बेटा यहां से इधर आए, जैसे मान लो ये आपका एक मिनट सॉरी बेटा आपका क्या है, जैसे आप यहां पे जीरो से वन तक जा रहे हो, लेकिन जैसे आप एग्जैक्ट वन पे पहुंचे तो आपका वैल्यू कहां पहुंच गया, या बेटा वन पे, तो जैसे वन जीरो से लेके 0.999 तक जा रहे हो तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका वैल्यू क्या रहेगा बेटा, जीरो ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आप वन पे पहुंचे, वन पे तो वन पे पहुंचे तो ये यहां पहुंच गए, ये क्या आएगा आपके बेटा, यहाँ पे फील्ड सर्कल आएगा, ये फील्ड है, ये आपका हॉलो है, ठीक है बच्चे उसमें करना भी कंफ्यूज हो गया था भाई, देख लेना है ना, जो मार्कर के बेस है तुम्हें दिखाई दे बेटा है। तो दूसरा है बेटा क्या है आपका, वन टू टू में जो पोर्शन है ये वाला, ये आपका सेम ऐसे ही आएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वी गेट कॉन्स्टेंट वैल्यू इक्वल टू द वैल्यू एट लेफ्ट लाइन, यानी कि जब आप इसके लेफ्ट लाइन, यानी कि ये जो वैल्यू आप इसको आगे ही प्रोसीड कर सकते हो। तो बेटा जब आप इसको बनाओगे तो क्या बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, और टू पे देखो बेटा जंप करके क्या पहुंच गया, यहां पहुंच गया, ठीक है। तो यहां पे क्या बेटा होलो सर्कल, और यहां पे भी क्या है होलो सर्कल है, और सेम ही आपका ग्राफ बनते हुए जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, अब यहां पे देखो बेटा, यहां पे जो आपका ग्राफ बन रहा है ये आपके क्या है माइनस वन है, ये आपके क्या है माइनस वन है, तो बेटा माइनस वन में तो आपका माइनस वन ही मिलेगा आपको, माइनस वन में तो आपका वन है, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, लेकिन ये ऐसे जाएगा आपका, समझ में आ रहा है, क्लियर है। और बेटा यहां से जब आप देखोगे तो ये भी आपका कैसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और यही आपका क्या है y equals to greatest integer of x plus square, वर्टिकल लाइन में इसको ब्रेक करना है, और इस तरीके से बेटा जो कॉन्स्टेंट वैल्यू मिलेगा, तो यानी कि उसने बोला है कि वो लेफ्ट लाइन में जो वैल्यू है उसके इक्वल होगा, यानी कि आप वहीं से पॉइंट को रख करके आगे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। नोट डाउन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा आपका प्रॉपर्टी नंबर जो भी था 11 आई थिंक, ठीक है। वाई इक्वल्स टू फ्रैक्शन ऑफ एफ एक्स, अभी बेटा हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ाया वाई इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स, फिर हमने पढ़ाया वाई इक्वल्स टू आपका क्या एफ एक्स बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर, इनपुट में हमने दिया है इंटीजर, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, फ्रैक्शन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। इसमें फटाफट से एक स्टेटमेंट लिख लो, लिखिए फटाफट से बेटा, ड्रॉ एफ एक्स एंड ब्रेक इट इनटू पोर्शंस यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस, एट यूनिट इंटरवल्स नाउ पुल डाउन
नाउ पुल डाउन और पुल अप, नाउ पुल डाउन और पुल अप एवरी पोर्शन बिटवीन y इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू वन। बेटा जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को कैसे तोड़ा था हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक ड्रॉ करके, ऐसे हम फ्रैक्शन ऑफ x को तोड़ेंगे। लेकिन आपको पता है यार कि जो फ्रैक्शन ऑफ f(x) होता है आपका, जो आपका फ्रैक्शन ऑफ f(x) होता है, जो आपका फ्रैक्शन ऑफ f(x) होता है वो तो सिर्फ जो है जीरो टू वन ही होता है, उससे ऊपर तो उसका ग्राफ जाएगा नहीं। लेकिन ग्राफ का जो ऊपर पोर्शन जा रहा होगा उसका हम क्या करेंगे तो वो देखते हैं हम यहां पर। तो फटाफट से बेटा आप बनाओ, ठीक है। जैसे हम ये आपका ग्राफ है क्या बेटा y इक्वल टू x स्क्वायर, लेकिन मैं जो बना रहा हूं वो आपका क्या है y इक्वल टू x स्क्वायर का फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो आप ये बेटा क्या है आपका y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। अब यहां पे मैंने बोला इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में ब्रेक कर लो, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से बेटा क्या हो जाएगा, ये वन हो गया मान लो, ये आपका क्या हो गया बेटा टू हो गया, ये आपका क्या हो गया वाई इक्वल टू थ्री हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। उन्होंने बोला नाउ पुल डाउन और पुल अप एवरी पोर्शन बिटवीन वाई इक्वल जीरो एंड वन। जैसे मान लो अगर यहां पे आप फटाफट से देखो वन डाल रहे हो, किसी भी इंटीरियर के लिए क्या देगा जीरो देगा। बेटा आपने क्या किया वन डाला आपने यहां पे, तो वन का क्या हो जाएगा फ्रैक्शन पार्ट जीरो, टू डाला आपने क्या हो जाएगा फोर फ्रैक्शन पार्ट क्या हो जाएगा ऐसे। तो यानी कि ये जो पॉइंट है आपके, मान लो बेटा यहां से यहां मान लो ये आपका वन है इधर इस पॉइंट पे, ये इस पर टू का जो भी वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो पार्ट आपके बनेंगे ये मान लो बेटा आपका क्या है इधर थ्री है, ठीक है। इधर आपका क्या है बेटा माइनस वन है, इधर बेटा आपका क्या है माइनस टू है, और बस इतना ही, ठीक है। तो आप देखो फटाफट से ये जो पार्ट है ये क्या बन रहा है आपका, ठीक है। ये जो पार्ट है आपका ये y इक्वल टू वन है, तो ये ग्राफ का पोर्शन है, ये जो ग्राफ का पोर्शन है बेटा ये आपका क्या है जीरो है, ठीक है। यहां पर आपका होलो सर्कल है, तो ये आपका जो पोर्शन है बेटा ये कहां रहेगा, ये वाला जो पोर्शन था ये तो जीरो से वन में था, ये वाला मुझे समझ में आ गया। लेकिन यहां से यहां तक ये जो पोर्शन जा रहा है आपका, यहां से यहां तक ये जो पोर्शन जा रहा है, क्योंकि टू पे क्या मिलेगा फोर मिलेगा, तो ये कहां ले आएगा जीरो पर आएगा, यानी क्या कहेगा तुम यही रहो, तो यानी कि बेटा ये कैसे बनेगा आपका, यानी कि यहां से फिर ऐसे बन जाएगा आपका। देखिए बेटा वन यूनिट हम इसको कितना ले आए नीचे ले आए, समझ में आ रहा है, इसको खींच लिया हमने, ये वन से टू के बीच में था, हम इसको कहां ले आए जीरो से वन के बीच में ले आए, क्योंकि वन से टू के बीच में ग्राफ का पोर्शन कितना है बेटा इतना है, ठीक है। और यहां पे लिखा हो गया नाउ पुल डाउन और पुल अप एवरी पोर्शन बिटवीन जीरो वाई इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू वन। तो आपको ये जो पोर्शन था आपको कहां बनाना है नीचे बनाना है, ये देखिए वन से टू में आपको बन रहा है कैसे, ये बन रहा है क्या, समझ में आ रहा है वन से टू में क्लियर हुआ बेटा, क्योंकि हमें बनाना है किसमें जीरो टू वन के बीच में बनाना है, क्योंकि फ्रैक्शन का लेंथ क्या होता है क्लोज जीरो टू ओपन वन, यानी बाहर जाएगा ही, समझ में आ रही है वाली बात। तो ये जो पोर्शन है ये अब मैं इस वाले पोर्शन की बात करूं टू टू थ्री, ये आपको टू एंड नीचे लेकर के आना पड़ेगा। और बेटा कैसे बनेगा आपका ये, यहां पे आपका फिल्ड सर्कल, और यहां कैसा बनेगा आपका ये वाली बात समझ में आई, पहले ये बताओ ये वाली बात समझ में आई। अब बेटा आप इधर बनाना चाह रहे हो तो इधर तो ये वाला पोर्शन क्या आपका ऐसे ही बन जाएगा, ये वाला पोर्शन आपका बना हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है नीचे आएगा तो ये कैसे बनेगा आपका, ये आपका ऐसे बन जाएगा, समझ में आया। नेक्स्ट पोर्शन में आपको बनाना है तो बेटा कैसे बनेगा आपका, इस तरीके से बन जाएगा, समझ में आया। यानी कि कहने का क्या मतलब है, हर पोर्शन जो है आपका, ये जो बेटा आपका मैंने बनाया ये एक्चुअल में ग्राफ इसका, दिस इज अगर आप इसको देखना चाहते हो तो एक्चुअल ग्राफ इसका बेटा ये है, ऐसा, ठीक है।
दिस इज एक्चुअल ग्राफ, ये क्या है बेटा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या है बेटा, फ्रैक्शन बेटा, वाई क्या है, एक्स स्क्वायर का क्या है, ये फ्रैक्शन है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये क्लियर हुआ या इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट मैं बना रहा हूं वाई इक्वल टू, मैंने लिया बेटा, बेटा मान लो वाई इक्वल टू साइन एक्स ले लिया, ठीक है, तो और मैं बनाना क्या चाह रहा हूं उससे, वाई इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ साइन एक्स, क्या बनाना चाह रहा हूं बेटा, फ्रैक्शन ऑफ साइन एक्स, तो फ्रैक्शन ऑफ साइन एक्स में बनाना चाह रहा हूं, तो मैंने बोला है कि अगर बेटा पूरे फंक्शन में फ्रैक्शन लगा हुआ है तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो, तो पहले साइन एक्स के ग्राफ ड्रॉ करिए बेटा मुझसे, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये बेटा आपके क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन एक तो हमें पता ही, ये रही वाई इक्वल टू जीरो यानी कि एक्स एक्सिस, ठीक है, एक और आपकी आ सकती है कौन सी बेटा, वाई इक्वल टू माइनस, कौन सी आ सकती है बेटा, वाई इक्वल टू माइनस वन, और ऊपर बेटा मैच टू में कौन सी आ सकती है, वाई इक्वल टू वन। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं एग्जैक्ट ग्राफ बना रहा हूं बेटा, इट्स अ रफ स्केच, ठीक है, मैं लेकिन बता रहा हूं बेटा कंसेप्ट किस तरीके से अप्लाई होगा और किस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है, मैं कोई सॉफ्टवेयर में नहीं हूं, तो आप जाकर के मैच करोगे, अच्छा सर का देखते हैं ग्राफ कैसा बना हुआ है ना सर, उसमें आप ऑब्जेक्टिव में देख रहे हो, सिंगेज में देख रहे हो, ठीक है, मैं बेटा मैं समझा रहा हूं बनता है इस तरीके से, ठीक है, तो आज ट्राई करना आज के बाद। अच्छा फ्रैक्शन ऑफ एक्स, अब आप देखो इन्होंने क्या बोला है कि ये जो ग्राफ का पोर्शन है, ये जो ग्राफ का पोर्शन है, अब आप देखो बेटा यहां से कहां तक, ये जो पोर्शन है कहां से कहां तक, जीरो से पाई तक, ये आपका पाई, ये क्या आपका टू पाई, इधर बेटा आपका क्या है माइनस पाई, उधर आपका क्या है माइनस टू पाई है, ठीक है, ये सबको पता है। अब देखो ग्राफ बनाना कितना आसान है, उन्होंने बोला है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे ब्रेक कर लिया, बिल्कुल कर लिया, अब हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन देखेंगे जीरो से पाई में, जीरो से पाई में फ्रैक्शन आप देखिए जो वैल्यू है वही देगा, लेकिन वन पे क्या देगा, जीरो देगा बेटा। फ्रैक्शन पॉइंट वन का क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट वन पॉइंट वन, फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट टू पॉइंट टू, फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री, फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट फोर पॉइंट फोर, लेकिन जैसे ही वन पहुंचेगा फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट नाइन नाइन भी क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन किस पॉइंट, सॉरी वही सेम वैल्यू का फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट नाइन नाइन क्या होगा, पॉइंट नाइन नाइन होगा, लेकिन अगर फ्रैक्शन ऑफ वन की बात करोगे यानी किसी इंटीजर की बात करोगे बेटा, तो फ्रैक्शन क्या दे देगा, पर से जीरो दे देगा, यानी कि आप एक बात बताओ, ये जो यहां पे पाई बाई टू होगा, ये जो पाई बाई टू होगा, इस पे जो है साइन का वैल्यू क्या होगा, इस पर साइन का वैल्यू क्या होगा, वन होगा, इस पर साइन का वैल्यू क्या होगा, वन होगा, अगर इस पर साइन का वैल्यू वन है तो यहां वन कहा है बेटा, ये रहा आपका, ये कहा है आपका, ये वन है, ये आपका क्या है, ये आपका इस जगह पे, ये साइन का वैल्यू मान लो यहां पे क्या बेटा, वन है, अच्छा वन है, जीरो कैसे देगा, यानी कि ये जो वन था, ये जो वन था, इस पर कहा आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ये रहा ये समझ में आया, तो आपका ग्राफ का पोर्शन कैसा रहेगा, ऐसे ही रहेगा, तो आपका बेटा मैं इसको थोड़ा और बना देता हूं, जीरो टू वन में, या वन पे बेटा और लगा हुआ है, ये आपका क्या है, इस तरीके से बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा आपका, समझ में आया, ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, ये वाली बात समझ में आई तुमको, ये बताओ, ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया, यहाँ पे क्या बनेगा, वन पे और, क्यों वन पे, ये और बनेगा नीचे, यानी कि जीरो को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि जीरो पे आ जाओ भैया तुम, फ्रैक्शन ने जीरो दे दिया। अब एक बात बताओ, ये जो पोर्शन है कौन सा बेटा, अब मैं इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं पाई टू टू पाई, किस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं बेटा, मैं पाई टू टू पाई वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं। अब मैंने बोला था कि हमें ये या तो पुल अप करना है या तो पुल डाउन करना है, कहां, जीरो टू वन में, लेकिन ये तो जीरो टू माइनस वन में, ये तो चलेगा ही नहीं हमें, यानी कि जो हमारा पोर्शन है जीरो टू माइनस वन में, मैं इसे कहां ले जाऊंगा, ऊपर ले जाऊंगा, जिससे कहां बन जाएगा, जीरो टू वन में, तो सिंपल है बेटा, कैसे बना दोगे, आपका कैसे बन जाएगा बेटा, ऐसे बन जाएगा बेटा, एक यूनिट में जो है इसको ऊपर लेके आएगा और यहां पर क्या बनेगा, और बनेगा बेटा, ये जो है क्या है, एक यूनिट ऊपर आ गया, ठीक है, ये वाला समझ में आया बेटा, ये वाला जो पोर्शन था आपका जीरो टू माइनस वन में, मैं इसको कहां ले गया बेटा, ऊपर ले गया, क्यों, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि फ्रैक्शन कभी जीरो से वन के बाहर होता ही नहीं है, आपको ग्राफ का हर पोर्शन कहां बनाना है, चाहे बेटा वो आसमान पे लटकाओ, कहीं भी लटकाओ, उसको ऊपर नहीं नीचे लेकर जाना है, कहां पे बेटा, जीरो टू वन में, समझ में आ रहा है। अब आप देखो इधर, ये वाला जो पोर्शन है आपका,
ये वाला, ये जो आपका पोर्शन है यहाँ पे, अब अगर आप इस पोर्शन की बात कर रहे हो तो ये तो आपका एज इट इज है, ये तो बिल्कुल आपका एज इट इज है भाई, ये तो आपका एज इट इज है, लेकिन ये पॉइंट आपका क्या है, ये फिर से बन बना रहा है, तो यहाँ पे क्या हॉलो सर्कल तुमने क्या किया, ये नीचे आ जाओ, यहाँ पे बेटा क्या हॉलो सर्कल तुमने कहा क्या किया, बोला नीचे आ जाओ, और ये बेटा आपका 0 to 1 में ऐसे ग्राफ बन रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है, लेकिन ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या नीचे है, ये तो 0 से -1 में, तो कहां ले जाऊंगा बेटा 0 to 1 में, तो मैं कैसे बना दूंगा इसको, मैं जो है ऐसे बना दूंगा इसको, ठीक है, तो ये जो आपका पोर्शन बनेगा, मैं बेटा ऐसे नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा बन रहा है, ये रफली ग्राफ बन रहा है, मेरे से तो बन भी नहीं रहा है, आप थोड़ा सही से बना लेना, ठीक है, बेटा मेरे से तो बचपन में आम भी नहीं बना है ना, तो ग्राफ की क्या उम्मीद करते हो मेरे से, तो ये वाला जो पोर्शन आपको समझ में आया होगा बेटा, इस तरीके से फ्रैक्शन का ग्राफ बनता है, देखो यहाँ पे ही मैंने बताया था कि हर पार्ट को नीचे खींच के ले आना है ना, कि तुम्हारी होगा 0 से 1, तुम्हारी होगा 0 से 1, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बेटा तुम्हें इस तरीके से ग्राफ समझ में आएगा, ठीक है, नोट कर लो बेटा बच्चे, कोई डाउट है किसी को, किसी को कोई डाउट है क्या बेटा, एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, अगर आप इसका फाइनल फिगर बनाना चाहते हो तो या नीचे बना सकते हो, अगर आप चाहो तो बना सकते हो, ये जो लिखा हुआ है ना उसको सेम ऐसे ही बना लो, तो ये आपका फील्ड है, यहां पे एक हॉलो बना लिया आपने, यहां फील्ड बना लिया, उसके बाद ये जो पोर्शन था आपका, ये आपका फील्ड है, ठीक है, बाकी क्या फिर आपका वही यहाँ पे एक आप इस तरीके से बना ले, मतलब मैं एक रफ बना रहा हूँ कि आपका इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, और ये आपका ऐसे बन जाएगा क्योंकि आपका फील्ड होगा यहाँ पे, दिख रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका बेटा वाई स्क्वेयर टू, प्रॉपर्टी नंबर 12, वाई स्क्वेयर टू एफ ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एक्स, एफ ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एक्स, तो फटाफट से इसके लिए लिखिए बेटा, फटाफट से लिखो, ड्रॉ एफ एक्स ओनली From x 0 to x 1, draw fx only from x 0 to x 1, because f of fraction of x is periodic with 1. copy paste this portion, copy paste this portion throughout, मीनिंग बताता हूं तुम्हें, मैं थोड़ा सा समझाता हूं ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ, कई लोगों के दिमाग में ये, अगर ये इसकी मैं बात करूं, ठीक है, मैं इसकी अगर बात करूं तो आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि g ऑफ एफ एक्स का वही पीरियड होगा जो एफ एक्स का पीरियड होगा, जो एफ एक्स का पीरियड होगा, बोला था मैंने ऐसा, ये प्रॉपर्टी आपको लिखाई थी कंपोजिट फंक्शन में, कि अगर आप गॉफ के पीरियड की बात कर रहे हो तो वही पीरियड होगा जो एफ एक्स का होगा, ये फंक्शन एफ एक्स से कुछ भी बना रहे, लेकिन उसके इनपुट में क्या चला गया, फ्रैक्शन ऑफ एक्स चला गया,
क्या चला गया बेटा, फ्रैक्शन ऑफ चला गया। तो फ्रैक्शन ऑफ एक्स के पीरियड क्या वन है, तो इस ओवरऑल फंक्शन का पीरियड भी क्या होगा, वन होगा, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उन्होंने बताया ड्रॉ एफ एक्स ओनली फ्रॉम एक्स जीरो टू एक्स वन। अब यहाँ पे वर्टिकल लाइन की बात आई, एक्स जीरो वर्टिकल लाइन है, एक्स इक्वल टू जीरो वर्टिकल लाइन है, जो कि आपका वाई एक्सिस होता है, और एक और लाइन आपको ड्रॉ करनी है। अब उन्होंने बोला आप ऐसा ही क्यों करोगे, ठीक है, आपका बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर हम जो है इसको एक्स जीरो टू एक्स वन में, हमें तब तो हमें समझ में आ रहा था, क्या समझ में आ रहा था कि आप जो है पूरे फंक्शन पे फ्रैक्शन लगा रहे हो और उसका ग्राफ जो आप जीरो टू वन में ड्रॉ कर रहे हो, तो वो बात मुझे हजम हो रही थी। लेकिन अगर आप इनपुट जो है एज अ फ्रैक्शन दे रहे हो, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ एक्स अगर आप इनपुट दे रहे हो किसी फंक्शन को, और तो उसका ग्राफ हम जो है एक्स जीरो टू एक्स वन में क्यों ड्रॉ करेंगे। एक बात बताओ, आपने क्या किया, पॉइंट वन दिया, पॉइंट वन दिया आपने, तो आपका सेम आंसर आएगा, पॉइंट टू पर सेम, पॉइंट थ्री, पॉइंट नाइन पर भी सेम आएगा, पॉइंट नाइन ही आएगा आंसर। जैसे आप वन डालोगे क्या बन जाएगा बेटा, इंटीजर पर फ्रैक्शन क्या देगा, जीरो। यानी कि आप एफ ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एक्स है, अगर आपने एक्स की जगह वन रखा तो आपका वहां पे क्या बनेगा बेटा, यानी कि उसको क्या लगेगा, मुझे जीरो आया आउटपुट में, फंक्शन को तो क्या लगेगा इनपुट में, उसे क्या लगेगा कि जीरो आया, लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आउटपुट क्या जनरेट होगा, एफ ऑफ जीरो। दूसरा है, अगर आपने क्या लिखा फिर एफ ऑफ 2.1, मैं ऐसे लिख रहा हूं, एफ ऑफ फ्रैक्शन ऑफ 2.1, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट हटा देगा, यानी कि इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन ऑफ 0.1 ऐसा, और यानी कि आपका क्या एफ ऑफ 0.1 या आउटपुट होगा, होगा कि नहीं। अगर मैं आपसे बात करूं एफ ऑफ 2.2, तो ये क्या होगा आपका फ्रैक्शन ऑफ 0.2 ऐसा, यानी कि ये क्या आएगा आपका 0.2 आएगा एफ ऑफ 0.2। तो यानी ये वाली बात, तो जब आप 0.1 डाल रहे थे, 0.2 डाल रहे थे, तब भी बात बराबर रही थी। अभी 2.3 डालोगे आउटपुट एफ ऑफ 0.3, 2.4 डालोगे आउटपुट एफ ऑफ 0.4, 3 के लिए दे लो, जैसे 2 पर पहुंचेगा 0, 2 पर पहुंचेगा 0। अब आपने क्या किया, 3 पर पहुंच गए, ठीक है, जब 2 का हो गया 3, अब 3 पर पहुंचे बेटा 3.1, 3.1 के लिए आउटपुट क्या आएगा एफ ऑफ 0.1। यानी कि उसको लग रहा है कि एक इंटरवल के बाद मेरी सारी वैल्यूज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, यानी कि एक इंटरवल के बाद मेरी सारी वैल्यूज क्या हो रही है बेटा, रिपीट हो रही है, और लास्ट में जो इंटीजर आ रहा है, जैसे वन आया, 0.9 के बाद क्या है, वन आया, तो जीरो दे दिया, फिर 1.99 के बाद क्या है, टू आया, जीरो दे दिया, यानी कि 0.1 से 0.9 तक सेम वैल्यू देता है, जैसे इंटीजर आता है जीरो दे देता है। इसका मतलब क्या है कि 0.1 से 0.9 तक वैल्यू डिफरेंट आ रही है, उसके बाद क्या है, फिर सारी सेम वैल्यू आ रही है, सारी वैल्यूज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे बेटा ग्राफ बनाना चाहूं, अगर मैं यहाँ पे बेटा मान लो ग्राफ बनाना चाहूं, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन की थोड़ी सी प्रॉपर्टी की हमने बात कर ली है ना, कि फंक्शन का जो बेटा, जो फंक्शन का, जैसे मान लो मैंने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बनाया, ठीक है, ये मैंने ये बना लिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आपका, मैंने बोला था इसका ग्राफ जो है ये आपका क्या है बेटा, वन है, ये आपका क्या है, टू है, ठीक है, और ये आपका क्या है, जीरो। अब जीरो टू वन में आप ग्राफ बना लो, उसको क्या करते रहो, कॉपी पेस्ट करते रहो, ये बोला है विद वन कॉपी पेस्ट दिस पोर्शन थ्रू आउट, थ्रू आउट कॉपी पेस्ट करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये रहा, मान लो इस तरीके से आपका ग्राफ जा रहा है किंतु, ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखिए जीरो टू वन में आपका कैसा बन रहा है, जीरो टू वन में आप देखो, जीरो टू वन ये रहा आपका यहाँ पे, तो ऐसा बनेगा आपको जीरो टू वन में, ऐसा बनेगा कि नहीं, बिल्कुल ऐसा बनेगा, यहां जीरो पे ऐसा बनेगा। नेक्स्ट आपका कैसा, देखो जीरो टू वन में ये वाला पोर्शन बेटा वन पे क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है, फिर से जीरो, ये यहाँ पे आपका बने तो यहाँ पे क्या देगा, जीरो देगा। अब ये आपका ग्राफ फिर से ऐसे ही बनेगा, ठीक है, बनेगा कि नहीं, ये लेकर ऐसे बनेगा आपका, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बेटा ये भी आपका ऐसे ही बनेगा। नेक्स्ट आप इस पे आओगे बेटा कैसे बनेगा आपका, वन से लेकर ऐसे बनेगा। आपको क्या करना है, थ्रू आउट कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, क्या करना है बेटा, थ्रू आउट इसी जो ये ग्राफ का पोर्शन आपका बन रहा है, इसी को आपको क्या करना है बेटा, कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, ये आपको क्या करते जाना है बेटा, कॉपी पेस्ट करते हुए जाना है, ठीक है। ये जो जीरो से बन में आपका ग्राफ का पोर्शन ये बना है, यही आपको और लाइनें ले लो आप, उसमें भी आपको यही बनाना है, उसमें भी आपको यही बनाना है, और लाइनें ले लो आप बेटा, उसमें भी आपको क्या करना है, यही बनाना है। आप इधर और लाइनें ले लो, उसमें भी आपको क्या बनाना है, यही बनाना है। यानी कि हर पोर्शन में जो आपको सेम ही बनाना है। उन्होंने बोला है कॉपी पेस्ट दिस पोर्शन थ्रू आउट, क्यों, क्योंकि सेम ही आउटपुट
जनरेट होगा इंटरवल के लिए, जो 0 से 1 के लिए जनरेट हो रहा है वही 1 से 2 के लिए जनरेट होगा, वही 2 से 3 के लिए जनरेट होगा, वही 4 से 5 के लिए जनरेट होगा, ठीक है। जो आपका मैं ये आपको इधर भी बढ़ा सेम ही पोर्शन जनरेट होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। फाइनल ग्राफ अगर इसका बनाना चाहो तो आपको फाइनल ग्राफ कैसे बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ये थोड़ा ऐसे स्ट्रेट लाइन मत बनाना पड़ा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये थोड़ा कर्व है, ठीक है, कर्व आपका जो है बना हुआ है। नेक्स्ट अगर आपसे बोला जाए कि आप जो है जैसे मान लो आपको y = e टू पावर x, मैंने बोला ये मान लो आपका ग्राफ है y = e टू पावर x, ये आपका ग्राफ है, ठीक है। तो y = e टू पावर x का ग्राफ दुनिया जानती है, y = e टू पावर x का ग्राफ दुनिया जानती है कैसा होता है, ठीक है। अगर ये ऐसा होता है तो मान लो बेटा आपको क्या करना है, आपको तो हॉरिजॉन्टल लाइन सॉरी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपका क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, ये आपका क्या है 0 है। तो 1 पे तो ये क्या देगा भाई, 0 पे क्या देगा, यहाँ पे ये क्या देगा 1 देगा, और 1 पे आप डालोगे तो क्या देगा ई देगा। तो मान लो ये एक ई वाली लाइन है, ठीक है, ऐसे करके ई वाली लाइन ड्रॉ करनी। अब 0 से 1 में जब आप इस पोर्शन को ड्रॉ करने की बात कर रहे हो, यानी कि 0 से 1 में इस ग्राफ का पोर्शन कैसा है, आप देखिए ये रहा इसका पोर्शन, ठीक है, ये इसका पोर्शन है। तो ऐसे ही बनता जाएगा, 1 से 2 में भी ऐसे ही बनेगा, एक और ड्रॉ कर लो 3, तो ये क्या करेगा 3 में भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। आप इधर ड्रॉ कर लो क्या -1, इधर ड्रॉ कर लो बेटा क्या -2, ठीक है। तो कैसा बनेगा, सेम बनेगा, उठाओ फटाफट से और बनाओ, सेम बनेगा, सेम ही बनेगा बेटा, ऐसा सेम ही जाएगा हर पोर्शन तक, आपके क्या है सेम ही जाएगा, ठीक है। तो इसको फाइनली अगर आप देखना चाहते हो फाइनली कैसा है, तो आपने एक उठाया यहां से, ठीक है, थ्रू आउट बेटा आपका ऐसे ही बनते हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या है इस तरीके से, समझ में आया है, फटाफट से नोट करो। अरे क्लियर हुआ सभी को, देखो इसमें जो है इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, जब इनपुट में फ्रैक्शन आ जाए ना, जैसे बेटा इनपुट में फ्रैक्शन लगा दे, अगर इनपुट में आपको फ्रैक्शन लग जाएगा तो आप ध्यान रखना जो ग्राफ का पोर्शन आपका 0 से 1 में बनेगा, डिक्टो 1 से 2 में वही कॉपी पेस्ट, 2 से 3 में कॉपी पेस्ट, समझ में आ रहा है ना। तो आपने देखा कि 0 से 1 में ग्राफ का पोर्शन ऐसा आ रहा है, तो हमने 1 से 2 में भी ऐसा बना दिया, 2 से 3 में भी ऐसा बना दिया, -1 से 0 में ऐसा बना दिया, -2 से -1 में ऐसा बना दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये लाइन स्टेटमेंट याद रखना, ठीक है, सेम ऐसे। और एक आपका लास्ट प्रॉपर्टी, देखो बेटा एक लास्ट आपका प्रॉपर्टी है, फटाफट से लिख लो उसको भी आप, नेक्स्ट बेटा आपका, नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी आपका मॉड वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, मॉड वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, फटाफट से लिखी इसमें, draw fx only, draw fx only where, draw fx only where it is positive, it is positive, reflect this portion about x axis, keeping the original portion,
कीपिंग द ओरिजिनल ओरिजिनल पोर्शन। बेटा देखो इसमें क्या है, वाई को मॉड लगा हुआ है, ये लास्ट प्रॉपर्टी है आपका। इसमें क्या है, कभी कहीं मॉड लग रहा था, कहीं कहीं मॉड लग रहा था, लेकिन आपका वाई पे मॉड नहीं था। वाई पे मॉड लगने का क्या मतलब है, आउटपुट आपका क्या पॉजिटिव है। अरे वाई पे मॉड लगा है, वाई क्या होता है, आपका आउटपुट होता है किसी फंक्शन का। अगर आउटपुट पॉजिटिव है तो आपको जो है ग्राफ, आपको जो ग्राफ है बेटा एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट नहीं बनाना है, ऐसा ये वाली बात सही है। लेकिन उसके बाद क्या करना है, जब आपको एक्स एक्सिस के ऊपर का पोर्शन बना लेना है, उसी का रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस लेना है, ठीक है। कैसे, अगर मैं यहां पे बड़ा मॉड हटाऊंगा तो वाई क्या बनेगा, प्लस माइनस एफ एक्स, ऐसा बनेगा कि नहीं। यानी कि जो पार्ट, यानी कि दो बात है यहां पे, एक तो वाई इक्वल टू एफ एक्स और बड़ा क्या है, वाई इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ऐसा, ठीक है। ये दो बातें आ रही है आपके सामने, क्या कि मॉड अगर मैं हटाता हूं तो वाई इक्वल टू एफ एक्स और वाई इक्वल टू माइनस एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स का क्या मतलब है, एफ एक्स का पॉजिटिव पार्ट, और यानी कि जैसा आपने देखा था मॉड एक्स हमने बनाया, उसका रिफ्लेक्शन क्या था, माइनस मॉड एक्स नीचे आ गया था आपका, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बनाना है। अगर मैं आपसे बोलूं फटाफट से कि मैं एक एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं, देखो उसने बोला है ड्रॉ एफएक्स ओनली वेयर इट इज पॉजिटिव। पहला काम आपका क्या करना है कि एफएक्स का सिर्फ पॉजिटिव पार्ट ही ड्रॉ करना है। रिफ्लेक्ट दिस पोर्शन अबाउट एक्स एक्सिस, यानी कि एक्सिस के अबाउट उसी जो आपने पॉजिटिव पार्ट का ग्राफ बनाया है उसको क्या कर लो बेटा, रिफ्लेक्ट कर लो। कैसे, अगर मैंने मान लिया बेटा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर मेरे पास माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, ऐसा एक फंक्शन है। इसका ग्राफ बेटा क्या होगा, दुनिया जानती है इसका ग्राफ तो, जो बेटा ऑटो वाले को भी पता है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, कल से हम रट रहे हैं इसको, इस तरीके से होगा आपका, ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए कि मॉड ऑफ वाई, अब इसकी हेल्प से बेटा, इसकी हेल्प से आपको क्या बनाना है बेटा, इसकी हेल्प से आपको क्या बनाना है, मॉड ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, ऐसा बनाना है। तो मैं क्या कहूँ, एक बात बताऊ, नेगेटिव उन्होंने बोला है कि एफ एक्स ओनली वेयर इट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव कहा है, जहां ग्राफ का पोर्शन एक्स एक्स से ऊपर होगा। ग्राफ का पोर्शन कहां होगा बेटा, एक्स एक्स से ऊपर, यानी कि कौन सा पोर्शन नीचे है, मैं उसको ये हटा देता हूं, यानी कि ये वाला पोर्शन क्या है, नीचे है, तो ये हमें लेना नहीं है, ओके। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ का पोर्शन हमने कैसे बनाया बेटा, ऐसे बनाया और आपका ऐसे बनाया, ठीक है, ये वाली बात समझ भाई। कौन सा पोर्शन हटा दिया, ये नीचे वाला पोर्शन हटा दिया, मुझे पता है बेटा कि एग्जैक्ट नहीं बन रहा है ये ग्राफ, थोड़ा सा डिफरेंट है, वो थोड़ा डिफरेंट होना है, मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, यानी कि नीचे वाला पोर्शन जो ग्राफ का वो नहीं रहेगा। अब उन्होंने बोला रिफ्लेक्ट दिस पोर्शन अबाउट एक्स एक्सिस, यानी ये जो है एक्स एक्सिस आपका किसका काम कर जाएगा, मिरर का काम कर जाएगा, और यानी कि ऊपर आपका पोर्शन ग्राफ का बना हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे बन जाएगा आपका, ऐसे बन जाएगा, कैसे बन जाएगा बेटा आपका, ऐसे बन जाएगा। जो ये है उसका रिफ्लेक्शन क्या है बेटा, ये है, जो ये है उसका रिफ्लेक्शन क्या है बेटा, ये है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा, और आपके जितने भी सारे प्रॉपर्टीज जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थे बेटा, हमने यहाँ पे वो डिस्कस कर लिए। मुझे उम्मीद है कि आप जो है कल जब भी हमारी क्लास होगी तभी आप जो है इन सब प्रॉपर्टीज को लिख करके देखोगे, जितने प्रॉपर्टीज मैंने आपको कराए हैं सारे प्रॉपर्टीज को आप जो लिख करके देखोगे, ठीक है। और लिखने के बाद इनके ग्राफ जो जो मैंने यहाँ पे बनाए एटलीस्ट वो तो ड्रॉ करके देख ही लेना, तो एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सिर्फ बेटा आप सिंगल ऑब्जेक्टिव उठाइए फटाफट से अपने फंक्शन चैप्टर में जो भी आपको, और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही होगी, तो इस लेक्चर के बाद आपका थोड़ा बहुत और क्लियर हो जाएगा। और अभी हम जो है एक दो तीन लेक्चर और लेंगे इस पे, जिसमें आपका मैं बहुत अच्छे अच्छे एडवांस के क्वेश्चन भी लेकर के आऊंगा, जो मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का एडवांस में क्या यूज है, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही, उम्मीद है मुझे आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप जो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आज के सेशन के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं, ओके, टाटा, बाय बाय।